सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वन पीस मांगा चैप्टर 1035 आ चुका है, लेकिन वहां पर जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक जानकारी दे देना चाहता हूं। मैंने आज दो वीडियो अपलोड किए हैं। वन पीस विवरे कार्ड डाटा बुक के ऊपर एक वीडियो डाला है जो कि दोपहर 1 बजे डाला है, और ये सेकेंड वीडियो है जो वन पीस मांगा चैप्टर 1035 का रिव्यू होने वाला है। तो जो भी बंदा वन पीस के विवरे कार्ड डाटा बुक वाला वीडियो नहीं देखा, जाके वो वाला वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि वहां पर मैंने विवरे कार्ड डाटा बुक के बारे में जानकारी दी है। अगर तुम लोग सोच रहे हो मैं इस विवरे कार्ड की जानकारी दिया हूं उस वीडियो में, तो तुम लोग गलत हो। मैं बात कर रहा हूं इस वाले विवरे कार्ड डाटा बुक की। अगर तुमको और भी जानना है वो वाला वीडियो जाके देखो, तुमको फुल डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। खैर जो भी हो, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, वन पीस मांगा चैप्टर 1035। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वन पीस के मांगा चैप्टर के कवर पेज की, और ये पेज जो है न्यू कवर सीरीज होने वाली है जिसका नाम होने वाला है रनिंग अवे फ्रॉम होल केक आइलैंड। कवर पेज में तुम देख सकते हो जर्मा 66 के जो सिप्स है वो होल केक आइलैंड से निकलते हुए नजर आते हैं। साथ ही इस चैप्टर का नाम होने वाला है जोरो वर्सेस किंग, और मुझे यही लगता है कि ऑफिशियल मांगा चैप्टर में भी यही ट्रांसलेशन होने वाला है। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। सबसे पहले हमें मालूम पड़ता है कि क्वीन वर्सेस सांजी के फाइट का नतीजा क्या निकला, जहां पर सांजी जीत जाता है और वो लात मार के क्वीन को ओनिगासीमा से बाहर फेंक देता है। मतलब यार, सांजी ने फुटबॉल को लात मार के स्टेडियम से ही बाहर कर दिया। यहाँ पर हमें साफ साफ मालूम पड़ जाता है, एक बात तो कंफर्म हो गया कि सांजी अपना कमांडर लेवल बन चुका है। क्या सांजी पहले की तरह लड़कियों के ऊपर सिंप करेगा या फिर सख्त लौंडा बन जाएगा? तो देखो, पहली चीज तो यहाँ पर वो लड़कियों का केयर तो कर रहा है, क्योंकि वो चूजी को ले जा करके उस लड़की को देता है और उससे पूछता भी है कि वो ठीक है कि नहीं, और उसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो सीन क्रिएट हुआ था, यहाँ पर कोई भी लड़की रहती और सांजी उस टाइम प्रपोज मारता तो शायद वो एक्सेप्ट कर लेती। 90% चांस है कि कोई भी लड़की होती तो एक्सेप्ट कर लेती। खैर, फुल्ली अनाउंस हो चुका है, अपना सांजी जीत चुका है, फुटबॉल को लात मार के स्टेडियम से बाहर निकाल चुका है। इसके बाद फाइट फोकस होता है किंग वर्सेस जोरो के ऊपर, जहां पर पहले तो जोरो यार काट के किंग का मास्क उतार देता है, और यहां पर जोरो एक चीज रियलाइज करता है, किंग जब भी अपने फ्लेम्स को गायब करता है वो ज्यादा फास्ट हो जाता है, बट उसका जो डिफेंस है वो वीक हो जाता है। इसके बाद किंग अपना मास्क उतारता है, और यहाँ पर हमें लुनारियन का चेहरा देखने को मिलता है। आखिर किंग कैसा दिखता है? ब्लैक विंग्स, वाइट हेयर एंड डार्क ब्राउन स्किन, ये है लुनारियन का चेहरा। वो लोग किस तरह से दिखते हैं ये बात हमें मालूम पड़ जाता है, प्लस उसके लेफ्ट आई में टैटू है। अब देखो, मैं ये टैटू के ऊपर कभी और थ्योरी बनाऊंगा, थ्योरी वीडियो आएगा तब हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मांगा चैप्टर का रिव्यू है। और ये चीज देखने के बाद जो काइडो के सोल्जर्स होते हैं, जो इससे पहले मांगा चैप्टर में जोरो के कॉन्करर हाकी से बेहोश हो गए थे, अधमरे होकर के उठते हैं और ये चीज देखने के बाद कहते हैं सो द रूमर्स आर ट्रू। अगर हम इसकी जानकारी वर्ल्ड गवर्नमेंट को देते हैं तो वर्ल्ड गवर्नमेंट हमें 100 मिलियन बैरिस देगी। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अगर ये बात काइडो को पता चल गया ना, काइडो तो इनका क्या ही हसन करता पता नहीं। खैर, काइडो तो बाद में करता, किंग ही इंपीरियल ड्रैगन का यूज करता अपने स्वॉर्ड से और उन सबको जला के राख कर देता है। अब अगर मैं बात करूं जोरो की, तो जोरो को फाइट करने में मजा आ रहा है, क्योंकि उसको मालूम पड़ चुका है किंग का वीकनेस क्या है, वो यहाँ पर मजे लेता है। सो द गवर्नमेंट इज दैट इंटरेस्टेड इन योर काइंड, वाना टेल मी अबाउट योर रेस। यहाँ किंग जवाब देता है Why should I bother? You will be dead soon. यहाँ पे जब मैं ये मांगा चैप्टर रीड कर रहा था, मैं सच बता रहा हूँ ये फाइट देख के मैं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा था। अगर तुमने मेरा स्पॉइलर वाला वीडियो देखा है तो वहां पर मैंने कहा था कि इन दोनों का फाइट अगर नेक्स्ट चैप्टर में नहीं दिखाते तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करूंगा। लेकिन इस चैप्टर में जिस तरह से ओडन ने ड्रॉ करके फाइट दिखाया है, भाई नेक्स्ट चैप्टर में किंग को हरा दो, जोरो को कमांडर लेवल बना दो, मैं ये चीज देखना चाहता हूँ। जोरो को टेंशन है, अगर ये फाइट ज्यादा देर तक चला तो डेफिनेटली जोरो मर जाएगा, क्योंकि एनमा उससे हाकी कंज्यूम कर रही है, हाकी सोख रही है, और वो हाकी देते देते ही मर जाएगा। और किंग का सीन क्या है, वो अब भी सोचता है कि वो एक गॉड लेवल बींग है, उसको कोई ह्यूमन हरा नहीं सकता,
ऊपर से फलाना ढिंकाना, बट जो जोरो है वो उसको काटने में कामयाब हो चुका है, इस वजह से वो थोड़ा तो टेंशन में है ही। यहाँ पर दोनों अपने अटैक्स को तैयार कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें किंग का थोड़ा बहुत पास्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर किंग भाई बिस्तर में लेटा हुआ रहता है। एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट लैब में लेटा हुआ रहता है पंख हजार्ड में। यहाँ एक्चुअली काइडो जो पहली बार किंग से मिलता है, यहाँ पर काइडो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाता है क्योंकि उसने सब एक्सपेरिमेंट देखा हुआ रहता है। काइडो को भी मालूम है कि किंग कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और वो उसको अपने क्रू में ऑफर करता है, जहाँ पर किंग ये देख के इंटरेस्ट दिखाता है और उससे पूछता भी है, डू यू रियली थिंक यू विल बी एबल टू चेंज द वर्ल्ड। काइडो उसे जवाब देता है, आई एम द ओनली वन हु कैन। इसके बाद ये दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर काइडो उससे उसका नाम भी पूछता है, जहाँ पर वो अपना नाम भी बताता है, अरबर। भाई क्या अजीबोगरीब नाम है। और हाँ, काइडो ने अच्छा किया कि उसका नाम चेंज करके किंग करवाया, उसको किंग बुलाने के लिए कहा। बैक टू द प्रेजेंट, जोरो यहाँ पे अटैक करता है ओनिगिरी से, जो कि किंग को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, उसका जो फ्लेम है ना लावा की तरह दहक रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं दोनों के स्वॉर्ड आपस में टकराते हैं और यहाँ पर किंग अपना फिर से अपना चूतिया दिमाग लगाता है और अपना मैकेनिज्म को ऑन करता है, वही कंगी वाला मैकेनिज्म। किंग का स्वॉर्ड का तो तुम जानते हो अजीबोगरीब लफड़ा है और वो उसके स्वॉर्ड को अलग करने का ट्राई करता है, पर इस बार जोरो उसे अपने से दूर जाने नहीं देता है। लेकिन यही चीज का फायदा उठा के किंग सीधे मुंह पे उसके लात मारता है और ये लात बड़ी जबरदस्त मुंह पे ही लगता है, बट जोरो तुम जानते हो वो डैमेज झेलने में माहिर है और वो इस वक्त सोचता है ही इज फास्ट, इन अदर वर्ड्स I can cut him। और इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जोरो के स्वॉर्ड से यार ब्लैक रेज निकलती है, मतलब तुम समझ रहे हो भाई कॉन्करर हाकी निकल रहा है। और यही चीज का फायदा उठा के जोरो एक स्लैश मारता है, जो कि सीधे किंग के चेहरे से होते हुए स्लैश को लगता है और उसको डैमेज होता है। अब यहाँ पर किंग को भी मालूम पड़ चुका है कि जोरो उसके कमजोरी को रियलाइज कर चुका है, उसको मालूम पड़ चुका है कि उसका वीकनेस क्या है। अब तुम अच्छे से जानते हो जोरो का अटैक किंग पे डैमेज कर रहा है, जिस वजह से किंग अब उसके अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई कर रहा है और ब्लॉक करने में कामयाब भी हो रहा है, जहां पर जोरो अब उसकी फिरकी लेता है और जोरो उसको कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर रहे हो, मैंने तो सोचा था तुम पे मेरे अटैक्स काम ही नहीं करते, या फिर तुम मेरे अटैक से डर गए हो। भाई अपना जोरो अपने बैडस मोड में आ चुका है। यहाँ पर हमें फाइनल अटैक शायद देखने को मिलता है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में मुझे लग रहा है कि फाइट का डिसाइड हो जाएगा कौन जीता है ये फाइट। यहाँ पर दोनों अपने अपने अटैक्स को तैयार करते हैं और यहाँ पर किंग कहता है, आई विल रिमेम्बर यू एज ए स्वॉर्ड्समैन दैट हैड सम स्किल। और यहाँ पर जोरो भी उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, If you manage to survive, I am the one that's gonna beat the memory of me into your skull. और फिर यहाँ पर किंग अटैक करता है इंपीरियल गार्डियन फ्लेमिंग ड्रैगन और फिर अपना भाई जोरो यहाँ पर अटैक करता है, जिसका अभी अनऑफिशियल साइट पे ट्रांसलेशन वर्जन में उपलब्ध है, जिसका नाम है फ्लेमिंग ड्रैगन हेल ब्लेज। और ये जो जिस तरह से जोरो अटैक करता है, ये देख के ऐसा लग रहा है जिस तरह से र्यूमा ने ड्रैगन को काटा था, उसी टाइप का ये सीन क्रिएट होता है। आखिर क्यों सिमोसुकी फैमिली को ड्रैगन स्लेयर कहा जाता है। और यहाँ पर हमें मालूम पड़ जाता है कि किसी न किसी तरह से जो अपना जोरो है वो सिमोसुकी क्लैन से बिलोंग करता है। हाँ, वो बात अलग है, SVS वॉल्यूम 101 में ओडा ने ये कंफर्म कर दिया है कि सिमोत्सुकी ओसुमारु जोरो का फादर नहीं है। बट यहाँ पर जोरो का अटैक जिस तरह से किंग को पड़ता है, भाई पहली बात तो कॉनकरर हाकी कोटिंग वाला अटैक है, जिस वजह से किंग को कट पड़ता है और किंग का जो एक पंख है वो उसके बॉडी से अलग हो जाता है। और यही देख के हमें साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि किंग हारने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में, ये देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अपना जो सांजी है वो एक कमांडर लेवल बन चुका है, तो आई होप जोरो भी नेक्स्ट चैप्टर में कमांडर लेवल बन जाए और इसके बाद शायद हमें काइडो वर्सेस लूफी की फाइट पे फोकस किया जाए। और हाँ, बिग मॉम वर्सेस लॉ और किड का तो फाइट बचा हुआ है, ये दो फाइट बचे हुए हैं और ये वाला फाइट शायद खत्म होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में, हमें अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। तो खैर, यही तक था आज का वीडियो। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो ये चैप्टर मुझे कैसा लगा और मुझे रेटिंग देना पड़ जाए, ऐसे तो मैं रेटिंग नहीं देता, पर फिर भी अगर रेटिंग देना पड़ जाए तो मैं इसे 10 में से 9.5 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। खैर, जो भी हो, वीडियो यही था, चैप्टर रिव्यू यही था,
मेरे हिसाब से ये चैप्टर बवाल मचा दिया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन ऑन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।